नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे DLED एग्जाम 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 30 अप्रैल 2024 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज PNP लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और बात करेंगे DLED फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर डेट शीट 2024 अपडेट के बारे में। पेपर की तैयारी कैसे करना है, एग्जाम फॉर्म कब से भरे जाएंगे, ठीक है, पूरी अपडेट हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बिहार में 1 अक्टूबर को सिपाही बहाली का पेपर लीक हुआ था, 6 महीने बाद भी रहस्य बरकरार है। पूरी अपडेट देखिए, देखेंगे ना वैकेंसी को लेकर के अपडेट है। BPSC पेपर लीक मामले में, ठीक है, JDU नेता सह रालोसपा का पूर्व संगठन सचिव गया से धरा आया, ठीक है। अगली खबर, BPSC पेपर लीक, पूछताछ के बाद सभी आरोपी भेजे गए जेल। जी हाँ दोस्तों, एक एक करके आज की तमाम बड़ी खबर हम आपके सामने रखेंगे। 15 मार्च को शिक्षक भर्ती का पेपर हुआ था, आपको बताना चाहेंगे, ठीक है, जहाँ 1 to 5, 6 to 8 क्लास के लिए शिक्षक भर्ती पेपर का आयोजन किया गया था, जो पेपर लीक हुआ, बाद में पेपर को रद्द कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे, क्योंकि आप में से सभी बच्चे आगामी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होंगे, ठीक है, और उसके बाद अगर ऐसा होगा तो ये आपके साथ अन्याय होगा, ठीक है। अगली खबर, सेवानिवृत्त कर्मियों को 1146, 1370 और 1520 रुपये मिल रही पेंशन, अब भी सरकार कहेगी NPS सही है, ठीक है। NPS के दायरे में आने वाले बिहार के करीब 1,95,000 सरकारी कर्मचारियों की पीड़ा आप देख सकते हैं। ये दोस्तों बहुत बड़ी खबर है। OPS ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी, तो भैया अच्छी खासी मतलब पेंशन मिलती है, लेकिन ये देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस बार आप घर से निकलेंगे तो किसको वोट करेंगे, जो आपको नौकरी दे, जो आपको पेंशन दे, ठीक है ना। 4 साल वाली नौकरी नहीं चाहिए, परमानेंट नौकरी चाहिए, ध्यान रखिएगा, आपसे गलती ना हो, नहीं तो आने वाले 5 साल में एक भी भर्ती नहीं आएगी, ये सोच के चलिएगा। आपको बता दें, जो लास्ट वैकेंसी आई थी 2018 दिसंबर, 69,000 शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आया था, 2019 में चुनाव हुए, ठीक है, 2024 आ गया, ठीक है। क्या कोई वैकेंसी आई यूपी में, तो प्राथमिक लेवल पर कोई भर्ती आपने देखी, नहीं देखी, गलती इस बार मत करिएगा। सूबे में 10,709 ANM की बहाली का रास्ता साफ हो गया है, फैसला आया है, पटना हाई कोर्ट ने अंकों के आधार पर भर्ती का दिया आदेश। BPSC पेपर लीक मामले में वही देखे दोस्तों, जो हमने आपको बताया था, यहां पर देख सकते हैं, शॉर्ट सर्किट से शिक्षा भवन में लगी आग, सक्षमता परीक्षा व स्थापना से संबंधित सभी फाइल जलकर हुई राख, देख सकते हैं दोस्तों, शॉर्ट सर्किट हो गया यहाँ पर, ये बड़ी खबर है, ठीक है। अगली खबर देखेंगे, प्रथम सेमेस्टर परीक्षा डेट शीट को लेकर क्या अपडेट है, जो ये डेट्स आपको दिख रही हैं, फिलहाल देखिए, जो लास्ट ईयर हमारा पेपर हुआ था वो जुलाई में हुआ था, ठीक है। तो अभी हमारा दोस्तों अप्रैल का महीना आज से समाप्त होगा, कल से हमारा मई का महीना शुरू हो जाएगा। तो क्या पेपर मई में होगा या जून में जाएगा, ये अब आपके मन में एक सवाल है। जून में चुनाव के रिजल्ट आएंगे, ये ध्यान में आपको रखना है। तो दोस्तों जो भी कुछ होगा वो चुनाव के रिजल्ट के बाद ही होना है, लेकिन एकदम आप लोग पेपर के लिए अब तैयार रहेंगे, ठीक है। अब देखिए, शिक्षा सेवा चयन आयोग बन चुका है, हमारा यूपी टेट का पेपर समय से होगा इस बार। सुपर टेट का दोस्तों, जो शिक्षक भर्ती का पेपर होता है ना, उसका नाम सुपर टेट होता है, ठीक है। तो अगर ये पेपर होगा तो इसका मतलब एक वैकेंसी आएगी हमारे लिए। और देखिए, 51,112 पद खाली है, ऐसा दोस्तों यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था, ठीक है, काफी पहले। तो इतनी वैकेंसी अगर आएगी और बीएड के छात्र बाहर होंगे, तो जो भी बच्चा डीएलएड से संबंधित है, आराम से नौकरी आप लोग पा जाएंगे, बहुत ही आराम से नौकरी पा जाएंगे, ठीक है ना। तो इंतजार करिए एक बड़ी भर्ती का। बाकी दोस्तों, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा डेट शीट अब आपके सामने ये रही। एक बात और है, देखिए, जो बच्चे तैयारी करेंगे सिर्फ उन्हीं को नौकरी मिलेगी, एक बात एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बहुत से बच्चे तैयारी नहीं कर रहे होंगे तो उनको नौकरी नहीं मिल पाएगी, इतना आसान नहीं होगा, ठीक है। पेपर 150 नंबर का ही आएगा, पास होने के लिए 97 नंबर जनरल कैटेगरी, 90 नंबर आरक्षित वर्ग। यूपी टेट में होता है कि, या सी टेट में 90 नंबर जनरल कैटेगरी, 82 नंबर आरक्षित वर्ग, तो ये आप लोग जरा ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। इस आधार पर आपकी नौकरी, वैकेंसी, सीट्स, ये सब आपकी रहेंगी, और पासिंग मार्क, हर सब कुछ आपको पता होना जरूरी है। 30 अप्रैल की दोस्तों आज की डेट जरा देख लीजिए, यहाँ पर सी टेट ऑफिशियल वेबसाइट से क्या अपडेट है, यहाँ पर करेक्शन विंडो का लिंक दिख रहा है जो कि खत्म हो चुका है, ठीक है। तो
तो जो हमारा सीटेट का पेपर होगा दोस्तों, उसमें कोई बदलाव नहीं, 7 जुलाई को हमारा पेपर होगा। आवेदन फॉर्म भर लिए गए हैं, जिन भी बच्चों ने आवेदन किया है वो बच्चे अब तैयारी में लग चुके हैं। देखिए, एक प्रॉपर समय हमें सीटेट सीबीएसई के द्वारा मिलता है, और कोई पेपर होता है दोस्तों वहाँ समय आपको नहीं मिल पाता उतना, लेकिन ठीक है, सीटेट में हमें पूरा प्रॉपर समय मिलता है। तो किसी भी प्रकार की लापरवाही किसी छात्र को नहीं करनी है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डीएलएड, यहाँ से दोस्तों हमें क्या अपडेट मिल रही है डीएलएड ऑफिशियल वेबसाइट से। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर भी आपको पेपर के लिए तैयार रहना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यूपी डीएलएड से संबंधित जो भी अपडेट्स आएगी वो आप यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। एक बात और है, एडमिशन का दोस्तों प्रोसेस बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। अगर आपके कोई भी दोस्त, घर में फैमिली मेंबर्स कोई भी हैं जो कि डीएलएड करना चाहते हैं, उनको आप बता सकते हैं। बीएड वाले छात्र क्या हैं दोस्तों, 1 to 5 से बाहर हैं। जो भी बच्चे डीएलएड से संबंधित होंगे उनको 1 to 5 में मौका मिलेगा, 6 to 8 में मिलेगा। अभी देखिए, आपको बता दें, इस समय भी जो बच्चे इस समय वीडियो को देख रहे होंगे उनको ये नहीं पता कि डीएलएड छात्रों को भी 6 से 8 शिक्षक भर्ती में मौका मिलता है, ठीक है। बहुत से बच्चों को लगता है बीएड वाले ही मौका पाते हैं, ऐसा नहीं है। यूपी में डीएलएड करने वाले छात्र 6 से 8 शिक्षक भर्ती में आपको मौका मिल जाता है। तो पूरी तैयारी के साथ आप लोग लगे रहिएगा, ठीक है। एक बात और आपको बताना चाहेंगे, आपको 6 से 8 में शिक्षक भर्ती में मौका भी मिलेगा, जो सीटेट में आपने पेपर 2 का पेपर दिया, ठीक है ना, पेपर 2 फॉर्म भरा हुआ। इसीलिए बहुत से बच्चे जब सीटेट या यूपी टेट का फॉर्म आता है वो सिर्फ पेपर 1 डालते हैं, उनको पता नहीं होता कि पेपर 2 उन्हीं के लिए है, डीएलएड छात्रों के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जरा कुछ बातें और हम यहाँ पर देखते हैं जो पेपर लीक से मैटर संबंधित है, क्योंकि आप लोग भी दोस्तों शिक्षक भर्ती का पेपर देंगे, डीएलएड का पेपर देंगे। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा ली गई शिक्षक नियुक्ति तृतीय चरण की परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में गिरफ्तार 5 आरोपितों से पूछताछ पूरी हो गई है। आर्थिक अपराध इकाई ने पूछताछ के बाद रविवार को आरोपितों को वापस जेल भेज दिया। ईओयू के जानकारी के मुताबिक आरोपितों से पूछताछ में पेपर लीक से जुड़ी कई जानकारी मिली है, जिसके आधार पर छापेमारी की कार्य योजना बनाई गई है। साक्ष्य इकट्ठा किए जाने को लेकर आने वाले दिनों में बिहार, यूपी और झारखंड के अन्य स्थानों पर छापेमारी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक ईओयू की टीम ने पूछताछ के बाद, ठीक है, कंकड़बाग समेत अन्य स्थानों पर छापेमारी की, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। तो दोस्तों देख सकते हैं पेपर लीक का मुद्दा बहुत ही बड़ा होता है, इसको जरा ध्यान में आप लोग रखेंगे, ठीक है ना। तो बीपीएससी पेपर लीक, ये दोस्तों ये सारी बातें यहाँ पर दी गई हैं। बाकी कुछ और अपडेट्स आएंगे तो अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। यूपी टेट, सुपर टेट जो भी नोटिफिकेशन आएगा, देखिए पेपर जून में होगा, आपको बता दें 10 से 12 जून के आसपास, जो हमारा 15 मार्च को पेपर रद्द हुआ था शिक्षक भर्ती का, वो पेपर हो सकता है, ठीक है। चुनाव के नतीजे दोस्तों आने वाले, एकदम आप लोग तैयार रहिएगा। एक बात याद रखिए, अगर आप वैकेंसी चाहते हैं तो भैया ऐसी सरकार को वोट करिएगा, लेकिन वोट जरूर देना है जो आपको नौकरी दे। आप लोग गलती क्या करते हैं, वोटिंग करते नहीं है, फिर बाद में परेशान होते हैं, ठीक है। तो एग्जाम फॉर्म को लेकर दोस्तों जो भी अपडेट्स आएगी वो अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। पेपर की तैयारी, ठीक है, कैसे करना है, देखिए हमने आपको बता दिया, जो भी पेपर 25 नंबर का होता है उसमें 5 बहुविकल्पी, 6 अति लघुत्तरीय और दोस्तों 7 क्वेश्चन लघुत्तरीय के, टोटल 14 नंबर के। जो 50 नंबर का पेपर होता है 15 क्वेश्चन बहुविकल्पी के, 15 अति लघुत्तरीय प्लस 20 नंबर के दोस्तों लघुत्तरीय क्वेश्चन, या आप कह सकते हैं 10 क्वेश्चन लघुत्तरीय के आते हैं। पास होने के लिए 25 में से 12 और 50 में से 25 नंबर, ठीक है, इस हिसाब से आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो पेपर हमारा जून में होगा, मई में एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जा सकते हैं, ठीक है। अब कुछ भी लेट नहीं होगा, अब तैयारी में आप लोग लग जाइएगा। और देखिए, जिन भी बच्चों की फीस नहीं जमा है वो जरा ध्यान देंगे। एक बात और आपको बता दें, स्कॉलरशिप का स्टेटस कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया, जहाँ से स्कॉलरशिप का स्टेटस देख पाएंगे। बाकी यूपी टेट, सुपर टेट की जो भी अपडेट्स आएंगे, अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।